दोस्तों व्हाट्सएप पर जब भी हम किसी को ऑडियो कॉल करते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पर एक कॉल करते हैं, तो कॉल करने पर यहाँ पर नाम आ जाता है जिसको कॉल कर रहे हैं उसका, और नीचे यहाँ पर कई बार रिंगिंग नाम दिखाई देता है, कई बार कॉलिंग नाम दिखाई देता है। तो आखिर ये अलग अलग दो प्रकार के नाम क्यों दिखाई देते हैं, कॉलिंग कब दिखाई देता है और रिंगिंग कब दिखाई देता है, ये इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी यूजफुल वीडियो, आपके काफ़ी काम आ सकता है यह जानकारी, तो आपको ये पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं, अगर आप उसके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन बंद है, तो आपको यहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर कॉलिंग नाम दिखाई देता है। वहीं अगर सामने वाले व्यक्ति का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन है, तो यहाँ पर रिंगिंग नाम दिखाई देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक और मोबाइल है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास मोबाइल है और यहाँ पर इसमें जो है वाईफाई मैंने ले रखा है, इसका वाईफाई अपन एक बार बंद कर देते हैं और अभी हम कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कॉलिंग नाम आएगा, यहाँ पर मैं ठीक से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सिर्फ कॉलिंग नाम आ रहा है, यहाँ पर रिंगिंग नाम नहीं आ रहा। जैसे ही अपन यहाँ पर देखिए वाईफाई से इसको कनेक्ट करेंगे, इसमें इंटरनेट कनेक्शन चालू करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिएगा रिंगिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर रिंगिंग नाम आ गया, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप के अंदर जब भी हम किसी को ऑडियो कॉल करते हैं तो इस प्रकार से रिंगिंग या कॉलिंग का ऑप्शन कब आता है, और आप ये जो रिंगिंग या कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, नाम आ रहा है, इससे पता लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन है या ऑफ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।